दोस्तों यूपी स्कॉलरशिप बिग अपडेट। दोस्तों इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। राशन कार्ड क्या अनिवार्य है? यदि आप राशन कार्ड नहीं भरते हैं तो क्या आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी? मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा, क्योंकि मैं बहुत सालों से इस पे काम करता हूं और ऑनलाइन फॉर्म भी करता हूं और मेरे पास CSC ID भी है। दोस्तों बात करते हैं यूपी स्कॉलरशिप का। फॉर्म भरते वक्त राशन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है सभी स्टूडेंटों के लिए, बताया जा रहा है। और मैं चेक भी किया तो कक्षा 9 के लिए, 10 के लिए, 11, 12 BA के लिए हर एक ऑप्शंस जो आता है, जो क्लास होती है, सब में जो है राशन कार्ड जो है मांग रहा है। अब बात आती है, लोग बता रहे हैं कि राशन कार्ड अनिवार्य है, बच्चे बता रहे हैं, बच्चे परेशान हैं कि राशन कार्ड मेरा नहीं भरा गया तो मेरा छात्रवृत्ति नहीं आएगी। तो मैं इसके बारे में कुछ आपको टिप बताता हूँ। दोस्तों देखिए, जो भी स्कॉलरशिप भरा जाता है, चाहे वही कोई क्लास का हो स्कॉलरशिप, उसमें यदि जो स्टार वाला कलम होता है वो ही इम्पोर्टेंट होता है, यानी वो भरना अनिवार्य होता है। और दूसरी बात, जो स्टार वाला कलम नहीं होता है वो अनिवार्य नहीं होता है। तो उसी तरह से जो राशन कार्ड है वो रिन्यूअल और फ्रेश दोनों में ऑप्शंस मांग रहा है। यदि आप रिन्यूअल करेंगे कक्षा 10 का या 12 का या BA सेकेंड ईयर का, तब भी राशन कार्ड का ऑप्शंस मांगेगा, लेकिन अब वहाँ पे स्टार कॉलम नहीं है। फ्रेश भरेंगे तब भी मांग रहा है, हर एक क्लास के लिए अनिवार्य कर दिया है, लेकिन वहाँ पे स्टार कॉलम नहीं है। सपोज दैट किसी के पास राशन कार्ड नहीं है तो वो वहाँ पे नहीं भर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो नहीं है, ये जरूरी थोड़ा ही नहीं है कि सभी के पास राशन कार्ड होना जरूरी है। तो वहाँ पे स्टार कॉलम नहीं दिया है, वो अनिवार्य नहीं है। यदि आपके पास है तो आप भरिए, नहीं है तो टेंशन भी मत लीजिए, आपका पैसा जरूर आएगा। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, कक्षा 10 के लिए या 9 के लिए जो फ्रेश फार्म भरा जा रहा है वो फार्म पूरी तरीके से फिलअप हो रहा है, लेकिन जो आधार वाला है, आधार कार्ड वेरिफिकेशंस, वो प्रॉब्लम बता रहा है, यानी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और दूसरा अपडेट, यदि आप कक्षा 11 का या 12 का फ्रेश फॉर्म भर रहे हैं तो वो OTP वाला आपका ऑप्शन, जो आधार कार्ड वाला है लास्ट वाला, वो प्रॉब्लम बता रहा है। तो आप टेंशन ना ले, वो जल्द से जल्द अपडेट हो जाएगा। और अपडेट की बात मैं कर दूं तो आपका जो भी आय प्रमाण पत्र है उसे कोशिश करिए कि 3 साल से पुराना जो है उसे नया बनाकर आप फिलअप करिए। यदि आप रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आप में आय और जाति यदि एक्सपायर हो गया है तो सोच रहे फिर से अपडेट हो जाए, तो ऐसी बात नहीं, वो अपडेट नहीं होगा, ऑप्शंस नहीं दे रहा है, तो आप उसके बारे में टेंशन ना लें। दोस्तों और कोई भी जानकारी होगा तो कमेंट करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर आप ज़रूर से रख लीजिएगा।